अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और ज़बरदस्त यम्मी के हाथ की रेसिपी, वो है पालक और गोश्त। गोश्त में अम्मी मटन बना रही हैं, मटन में पालक बनेगी तो ज़बरदस्त ही मज़ा आएगा और अम्मी के हाथ का तो और ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो आपके सामने अम्मी प्याज काट रही हैं, गोश्त उन्होंने अभी गलने के लिए रखना है, जो पालक है वो पहले से बॉयल है अम्मी, पहले से बॉयल करके उसको हमने पैकेट बना के फ्रीज कर लिया हुआ। ये मटन है और मटन में अब जो है वो प्याजों के अंदर मटन को डाल दिया और आप अपने हिसाब से जितना आपने क्वांटिटी में बनाना है उस हिसाब से आप इसके अंदर प्याज डाल लें। तो ये ज़बरदस्त सा आप देख लें, ये इस तरह से इतना को प्याज होना चाहिए, इतने से गोश्त के अंदर इस तरह से एक अम्मी ने प्याज डाला है दरमियाने साइज का। अब इसके अंदर बाकी जो मसाले हैं वो सारे डालने लगी हैं। ये लहसुन और प्याज, प्याज में सुरख नहीं करती, बाद लोग प्याज सुरख कर लेते हैं उसमें जायका नहीं बनता, तो ये सादे तरीके से मैं बनाती हूँ। तो थोड़ा सा पानी, इतना पानी डाला है कि ये गोश्त गल जाए, तो और थोड़ा सा सूखा धनिया डालूंगी दो स्कूप मिर्च के। हल्दी, चलो डालू थोड़ा सा सूखा धनिया, साथ ही डाल दूंगी इसके सूखा धनिया, थोड़ा सा इसमें ऐड करने लगी हूँ बस। चलो बस इसको प्रेशर लगा देंगे, कितने मिनट के लिए हमें प्रेशर लगाना है इसको? इसको मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी कि गोश्त गल जाए, गोश्त गल जाए, प्याज भी साथ अच्छी तरह गल, टमाटर भी अंदर। ये पालक है जिसको बॉयल करके और बाद में हल्का सा मैश करके फ्रीज किया होगा और ये गोश्त के अंदर डालने वाली हूँ। छोटे से के साइज का टमाटर लिया है, ज़्यादा डालने से ना पालक का जायका नहीं सही बनता, छोटा सा मैंने टमाटर इसके अंदर डाला है, कम खर्चा और बालातार। सही बात है, टमाटर का तो अब रेट थोड़ा कम नहीं हो गया? अभी कम हो गया, फिर भी पहले तो 200-250 रुपए किलो टमाटर बिके, अभी भी महल 150 रुपए किलो हैं। तो टमाटर हमारा रह गया था वो अब हमने डाल के इसको प्रेशर लगा दिया। अब थोड़ा सा पानी रह जाएगा ना पालक में, फिर उसमें दही डाल के उसको भुनेंगे। ये मेरी सादी सी रेसिपी, आप करके देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अम्मी का कहने का मतलब है कि जब हम इसके अंदर पालक डालेंगे, गोश्त भून के हम पालक डालेंगे ना, तो जब वो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी रह जाएगा तो उसके अंदर हम थोड़ा सा दही मिक्स करेंगे, दही मिक्स करके फिर हम इसको भूनेंगे। तो ये अम्मी का एक स्पेशल ट्रिक है जिससे पालक जो है बड़ी ज़बरदस्त बनती है। आप भी ये ट्रिक ज़रूर जो है अप्लाई कीजिएगा अपनी पालक गोश्त की रेसिपी में, आपकी पालक भी बहुत अच्छी बनेगी। 15 मिनट प्रेशर लगाने के बाद गोश्त जो है अच्छी तरह से गल चुका है और आप देख सकते हैं हमारी जो हंडिया है वो आ गई है अब बर्नर के ऊपर, क्योंकि गैस जो है वो जा चुकी है और गैस का बहुत ज़्यादा मसला है, तो सिर्फ बर्नर में थोड़ी थोड़ी सी गैस आ रही है, इसलिए हमने अपनी हंडी को बर्नर के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। और इसके अंदर गोश्त भूनने के बाद जो है इसके अंदर पालक डाल दी गई है और पालक के डालने के बाद इसको 2 मिनट के लिए दम पर लगाया है ताकि पालक खुल जाए। उसके बाद पालक को अच्छी तरह भूना गया है और भूनने के बाद जो है इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाला गया है, वो जिसमें वो है दही। दही जो है अम्मी ने इसमें तकरीबन 2-3 टेबलस्पून इसके अंदर दही। मज़ेदार सा पालक गोश्त बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको अम्मी के हाथ की पालक गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।